अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ मेथी खीमा, तो चलिए बनाते हैं। मेथी खीमा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताती हूँ। यहाँ पर मेथी, मैं आधा किलो जितनी मेथी क्लीन करके मैं रख ली हूँ, धोकर क्लीन कर रख ली हूँ मेथी। यहाँ पर आधा किलो खीमा, खीमे को भी अच्छे से धोकर रख ली हूँ, आधा किलो खीमा। यहाँ मसाले बताती हूँ, नमक, प्याज, हरी मिर्ची, हरी मिर्ची मैं 15 हरी मिर्ची पीस कर रख ली हूँ दरदरा सा, हरी मिर्ची, दही, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्ची, धनिया पाउडर, यहाँ पर गरम मसाला और थोड़े से खड़े गरम मसाले, तेजपत्ता, दालचीनी और हरी इलायची, ये चाहिए हमें। और यहाँ पर जीरा, सफ़ेद जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया, हरिया धनिया कटा हुआ। अब सबसे पहले हमें कुकर को रखना है, पर गैस ऑन करके मैं कढ़ाई को रख ली हूँ। सबसे पहले हमें तेल लेना है, खीमे में भी चिकना फैट रहता है, तेल थोड़ा देखकर ही डालना। तेल यहाँ पर 4 से 5 टीस्पून जितना तेल ली हूँ मैं। यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, यहाँ पर तेज पत्ता 2 टुकड़े, दालचीनी के 4, छोटी इलायची और यहाँ पर सफेद जीरा 1/2 टीस्पून जितना जीरा। इसे थोड़ा तेल में हमें भून लेना है। मैं पहले जो खीमा बताई थी वो अलग सी रेसिपी है और ये अलग सी है, ये बहुत टेस्टी रहती है, ये भी उतनी ही टेस्टी रहती है। इसे भी ट्राई कर देखिए आप, मसाले अलग हैं, इसका सब जो भी मैं डाल रही हूँ इसमें सब अलग अलग सा है। अभी यहाँ पर प्याज, मैं बड़ी साइज की प्याज ली हूँ, अगर बड़ी साइज की नहीं है तो 2 मीडियम साइज के प्याज ले लेना। अब प्याज को हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें तेल में पकाना है प्याज को। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुकी है, अभी इसमें मैं हरी मिर्च ले रही हूँ, जो पीसी हुई हरी मिर्च। आप एक बार देख कर डाल लेना तीखा आपको कितना चाहिए। मैं हरी मिर्च 15 हरी मिर्ची पीस कर रख ली हूँ, दरदरा सा पीस कर रख ली हूँ मैं। थोड़ा अब डालती हूँ, थोड़ा तीखा देख कर मैं डाल लेती हूँ। इसी में ही अदरक लहसुन, मैं 2 टीस्पून लेकर हूँ अदरक और लहसुन, इसे भी इसमें ही मिला लेना। अब इसमें मैं खीमे को ले रही हूँ, ये 1/2 किलो खीमा है, अच्छे से धो कर रख ली हूँ मैं। अब खीमे को, मसाले को, थोड़े मसालों को हमें अच्छे से भूनना है, 5 मिनट तक हमें अच्छे से इसे भूनना है। भूनने के बाद हमें दूसरे मसाले, नमक सब इसमें डालना है। अभी इसे खीमे को अच्छे से हमें भूनना है। यहाँ पर देखिए खीमे में इतना पानी, खीमे ने इतना पानी छोड़ा है। अब इसे, ये पानी को हमें अच्छे से सुखाना है, तब तक हमें खीमे को भूनना है। अच्छे से भूनने के बाद हमें दूसरे मसाले भी इसमें डालना है। देखिए खीमे को अच्छे से भूनना है, जब तक ये पानी सूख जाता नहीं तब तक हमें इसे भूनना है। यहाँ पर देखिए पानी अच्छे से सूख गया है, इतना हमें पकाना है, जब तक पानी सूखता है उतना हमें इसे पकाना है। अब यहाँ पर दूसरे मसाले मैं डाल लेती हूँ। सबसे पहले टमाटर, 2 मीडियम साइज के मैं टमाटर ली हूँ, टमाटर खीमे के साथ इसे भी पकाना है। जो जो मसाले डालकर मैं इतने वक्त से खीमा पकाई हूँ, मसाले डालकर पका रही हूँ, ये अपने आप खीमा गल जाएगा। यहाँ पर धनिया पाउडर मैं 1 स्पून से 1.5 स्पून ले रही हूँ, 1 स्पून से 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। यहाँ पर हरी मिर्च पहले से हमें डाले हैं 1 टीस्पून जितना, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून जितना, थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 टीस्पून जितना, यहाँ पर हल्दी 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी और यहाँ पर थोड़ा सा हरिया धनिया। अब इन्हें भी हमें 1 मिनट के लिए, टमाटर को, इन मसालों को सभी अच्छे से पकाना है। अभी मैं इसमें नमक ले रही हूँ, नमक आप देख कर डाल लेना, मुझे जितना चाहे मैं ले रही हूँ। यहाँ पर नमक 1/2 टीस्पून जितना ले रही हूँ मैं, आप नमक देख कर डाल लेना। हाँ, इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं जाता है इसमें, क्योंकि हरी मिर्ची, काली मिर्च पाउडर ही जाता है इसमें।
अब इसे भी मैं एक मिनट तक अच्छे से पका लेती हूँ। देखिए मसालों को, टमाटर को और थोड़ा हमें पका लेना है, क्योंकि जितना खीमा पकता है मसालों के साथ उतना मजेदार होता है ये खीमा। ये खीमा अलग सा है, मेथी खीमा। इसमें मसाले देख रहे हो, मसाले अलग से जाते हैं। इसमें लाल मिर्च नहीं जाता है, इसमें हरी मिर्च, काली मिर्च पाउडर ही जाता है। इसमें जीरा पाउडर नहीं जाती है, सफेद जीरा, खड़ी जीरा जाती है। इसमें थोड़े से खड़े मसाले, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ये भी जाता है इसमें। ये अलग सा बनता है, मैं अलग सा बनाकर बता रही हूँ। पहले भी मैं शाही खीमा बताई हूँ, मटर खीमा बताई हूँ, मैं मेथी मटर खीमा भी बताई हूँ मैं। ये अलग सा है, इसे भी बनाकर खाइए आप। रुमाली रोटी या पराठे के साथ या रोटी चावल के साथ भी इसे ले सकते हैं, लेकर इसे बनाकर खा सकते हैं। माशाल्लाह मैं क्या बताऊँ, इसका टेस्ट इतना अच्छा रहता है मैं बता नहीं सकती। आप लोग बनाकर खाइए, फिर मुझे बताइए कमेंट्स में आपको कैसा लगा, आज की मेरी रेसिपी कैसे लगी कमेंट्स में मुझे बताइए जरूर से। ये देखिए मैं इसे और थोड़ा पका लेती हूँ। हाँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर से कीजिए। वीडियो जो भी देखते हैं एंड तक देखिए, वीडियो ऐसे ही मत छोड़िए, एंड तक वीडियो को भी देखिए आप। ये देखिए टमाटर भी अच्छे से भून चुका है, कीमा भी अच्छे से भून चुका है, इसमें का पानी भी सूख गया है। पानी में थोड़ा भी नहीं डाली हूँ, जो खीमे में आया है वही पानी को सुखाई हूँ। खीमा भी गल चुका है, इसमें कुकर में डालने की इसमें जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं मेथी की भाजी ले रही हूँ, ये आधा किलो जितनी मेथी की भाजी मैं छुड़ा कर इसे धो कर रखी हूँ। आप जो भी चीज लेते हो, वेजिटेबल जो भी लेते हो, धोकर ही लेना, धोकर साफ करके ही लेना। अभी मैं मेथी भाजी को भी इसमें डाल लेती हूँ। भाजी डालने के बाद इसे हिलाने नहीं होता है, इसे एक मिनट के लिए मैं ढककर रख देती हूँ। भाजी नरम हो जाने के, गल जाने के बाद इसे खीमे के साथ मिलाना है। यहाँ पर देखिए भाजी गल चुकी है, इतना वक्त तक इसे डालकर छोड़ देना है। अभी इसे खीमे के साथ भाजी को मिलाना है। अभी आखिर में हमें दही को मिलाना है। दही को मिलाने से पहले आप नमक मिर्ची चेक कर लेना, नमक डाल लेना। अगर मिर्ची की जरूरत हो तो जो हरे मिर्ची पीस कर रखते हैं उसी का थोड़ा इसमें डाल लेना। अभी मैं यहाँ पर दही को डाल लेती हूँ। यहाँ आधा कप जितना दही ली हूँ मैं। अब इसे दही के साथ हमें अच्छे से मिला लेना है। मैं इसमें थोड़ा भी पानी नहीं डालकर हूँ, खीमे में थोड़ा भी पानी नहीं डालकर हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ले रही हूँ, पहले तो पानी नहीं डाली हूँ, अभी ये दही का है इसमें थोड़ा सा ले रही हूँ मैं। यहाँ पर देखिए बस इतना सा, बस इतना ही पानी। अगर आपको थोड़ा सा पानी चाहिए तो आप पानी के जैसा थोड़ा कर सकते हैं। देखिए हो गया है, अभी थोड़ा सा मैं इसे एक मिनट ढककर रख देती हूँ, क्योंकि दही को भी पकना है। इसीलिए मसाले, खीमा, मेथी सब पक चुकी है, अभी दही पकना बाकी। दही को आखिर में ही डालना है, पहले दही को नहीं डालना है। अभी इसे एक मिनट तक मैं पका लेती हूँ। ये देखिए खीमा तैयार हो गया है, अभी मैं इसे कोयले को इसमें रख लेती हूँ। कोयले को मैं सिलगा ली हूँ। अभी यहाँ पर हमें स्टोव का फ्लेम बंद कर देना है। थोड़ा सा मैं घी ले रही हूँ इस पर। अभी इसे ढककर हमें रख देना है। गैस बंद कर ली हूँ मैं, पक चुका है खीमा, मेथी खीमा। अभी इसे बंद कर ली हूँ मैं, धुआं रहने तक इसे रहने देना है ऐसे। ये देखिए हो गया है, अभी मैं निकाल कर आपको बताती हूँ। ये देखिए मेथी खीमा तैयार हो गया है, अभी मैं आपको निकाल कर बताती हूँ। ये देखिए सूखा भी है, ज्यादा पानी भी नहीं है, पानी डालने की जरूरत भी नहीं है, दही में ही पानी आ जाता है। फिर भी मैं थोड़ा सा, दो टीस्पून जितना इसमें पानी डाली हूँ। बिस्मिल्लाह, निकाल कर मैं बताती हूँ आपको। देखिए तैयार हो गया है मेथी खीमा। खुशबू तो माशाल्लाह इतनी अच्छी रहती है, खाने में उतना ही टेस्टी। आप बनाकर खाइए, फिर मुझे बताइए ये आपको कैसा लगा खीमा। बहुत टेस्टी बनता है ये। देखिए मैं खाकर भी आपको बताती हूँ मैं, रोटी के साथ मैं रोटी भी बनाकर रखी थी। रोटी भी माशाल्लाह इतना टेस्टी, माशाल्लाह मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत बहुत टेस्टी।
ये देखिए आज मैं मेथी खीमा बनाकर बताई हूँ। ये रेसिपी अलग है, पहले जो मैं बताई हूँ वो अलग है। ये बनाकर खाइए, मुझे बताइए आपको कैसा लगा। आप लोगों को ये बहुत टेस्टी बनता है, ये अलग सा है, सभी को पसंद आएगा। जरूर से इसे बनाइए, खाइए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।